क्या आपको प्रेम करना आता है? आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, ये कार्ड खरीदते रहते हैं। जवान थे तो ज्यादा कहते थे, अब थोड़ा बूढ़े हो गए तो कम कहते हैं। देखिए, मनुष्य को प्यार करना चाहिए तो प्यार करना चाहिए, उससे प्यार करना चाहिए जिससे वो प्यार करना चाहता है। और असली प्यार वो है कि प्यार हुआ जिससे हुआ, पर उसके कामों से नहीं। तो मैं ऊपर से बात चालू करता हूं। आप भगवान से प्यार करते हैं? इसके दो ही उत्तर हो सकते हैं, हाँ या ना। मल्टीपल चॉइस है ये, हाँ या ना। करते हैं? आप भगवान से प्यार करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि जो वो करता है, या भगवान से प्यार करते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वो जो करता है? आप अपनी मां से प्यार करते हैं क्योंकि आप अपनी मां से प्यार करते हैं, या आप अपनी मां से प्यार करते हैं क्योंकि वो जो आपके लिए करती है? आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, आप अपनी पत्नी से प्यार करते हैं, या पत्नी से इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो जो आपके लिए करती है? मैं, आप समझे ना समझे, मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूं। क्योंकि अगर मैं भगवान से इसलिए प्यार करता हूं क्योंकि मैं भगवान से आशा रखता हूं, अपेक्षा रखता हूं कि मेरे लिए वो ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, तो ठीक है, मैं भी भगवान से प्यार करने के लिए तैयार हूं। परंतु अगर वो अपनी मनमानी करेगा, तो फिर गड़बड़। फिर लोग कहने के लिए तैयार हैं, तो कैसा भगवान है? मतलब लोगों का यह है कि हम इतने स्वार्थी हो गए हैं हम अपने आप को स्वार्थी नहीं मानते। जब सुबह सुबह उठते हैं कोई कहे तुम स्वार्थी हो, ना मैं कैसे स्वार्थी, मतलब किसी भूखे को खाना भी खिलाना, उसमें भी हम अपेक्षा करते हैं कि वो कुछ कर्म हमारे यहां जाएगा जेब में और भगवान हमको दया दृष्टि से देखेगा और हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हर एक चीज की अपेक्षा होगी। आप अपने बेटे से प्यार करते हैं इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो आपका कहा मानता है, और अगर आपका कहा ना माने तो वही प्यार करते रहेंगे उसको। यहां तक भी क्वेश्चन आ जाता है कि तू मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, मतलब कुछ ऐसा माहौल बना दिया है हमने अपने दिमाग में कि जो हकीकत है उस हकीकत को हम नहीं देख रहे हैं। अच्छा, भगवान की बात भी हो गई, बीबी की बात भी हो गई, बेटे की बात भी हो गई,
बीच में और कोई है तो उसकी बात भी समझो हो गई, क्योंकि वही बात है, वो जब तक हमको सेटिस्फाई करते रहेंगे हम ठीक हैं, और हम अब अपने आप को अगर वो हमको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ है। अच्छा, अब ले जाते हैं बात एक कदम आगे, और कौन है एक कदम आगे? आप अपने आप से प्यार करते हैं या नहीं? और अगर करते हैं तो इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने आप को पहचानते हैं, इसलिए आप अपने से प्यार करते हैं, या आप इसलिए प्यार करते हैं कि आपकी जो आशा है, जब तक आप उन आशाओं को, उन ख्वाबों को पूरा करते रहेंगे आप ठीक हैं, और जब आप नहीं करने लगेंगे, अपने ही ड्रीम्स को पूरा, अपने ही ख्वाबों को पूरा, क्योंकि देखिए लोग हैं संसार के अंदर जो खुदकुशी करते हैं। खुदकुशी करना कोई आसान चीज नहीं है, पर वो अपने से ही इतने निराश हो गए हैं कि अब उनको जीवन में आगे चलने के लिए कोई आशा ही नहीं दिखा देती। तो अगर प्यार करना है तो प्यार करना सीखना पड़ेगा बिना अपेक्षा के। और ये आसान काम नहीं है।